दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर सॉल्वड एग्ज़ाम पेपर 2010 का है, इससे पहले मैं आपको 3 पार्ट दे चुका हूँ। आज है दोस्तों पार्ट 4, तो आज है आपके लिए पार्ट 4। तो इससे पहले अगर आपने पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो आपको दोस्तों उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल और SI के सारे पेपर करके एक प्लेलिस्ट है, वो आपको सारे पेपर वहाँ मिल जाएंगे। इसके अलावा 2014 का पेपर, 2015 का पेपर, 2016 का पेपर महिला और SI, महिला और पुरुष SI सभी के लिए, कांस्टेबल महिला कांस्टेबल पुरुष कांस्टेबल सभी के लिए जो अलग अलग पेपर हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज आपको उस समय का पेपर बिल्कुल आसान लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अब पेपर बहुत पहले हुआ था, आप कुछ लोग कहेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर फिर भी आप देख लीजिए। अब कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि सभी पेपर कराइए पुराने जितने भी हैं। अब कुछ लोग नकारात्मक हैं, वो कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो फिर मैंने सोचा कि जो सकारात्मक वाले हैं उनकी तरफ ज़्यादा जाना चाहिए, क्योंकि भर्ती दोस्तों कभी भी नोटिफिकेशन उसका जारी हो सकता है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। अब शायद दोस्तों ट्रैफिक पुलिस और सिविल पुलिस और PSC की जो भर्ती है या फायरमैन, वो सब एक ही साथ आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो भर्ती दोस्तों आज नहीं तो कल आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। तो ये है दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन। इससे पहले मैं बाकी क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब दोस्तों ऐसे वाक्य तो थोड़े अच्छे वाक्य आ जाएंगे, उनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है वो भी आपको बेहद मुश्किल हो जाएगा आपके लिए सही उत्तर पर जाना। अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे तभी आप सही उत्तर पर पहुंच पाएंगे। तो ए ऑप्शन है हमारा कि खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, दरगाह पर एक मोतियों से जड़ी चादर चढ़ाई गई, 20 गेहूं की बोरियां लाओ, या इनमें से कोई नहीं। तो आपने उत्तर चुन लिया होगा देखते ही। तो दोस्तों आपने इस तरह से पढ़ा होगा कि बच्चे को फल काट कर खिलाओ, फल काट कर बच्चे को खिलाओ, इस तरह वाला। तो खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, खरगोश को काट कर तो गाजर नहीं खिला सकते, ये हमारा गलत हो गया। दरगाह पर एक मोतियों से जड़ी चादर चढ़ाई, तो यहाँ पर गलती होगी हमारी। यहाँ पर एक मोतियों से जड़ी चादर चढ़ाएगी, दरगाह पर मोतियों से जड़ी एक चादर चढ़ाएगी, तो ये होता तो शुद्ध होता, तो ये भी हमारा गलत हो गया। 20 गेहूं की बोरियां लाओ, 20 गेहूं की, यानी कि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था गेहूं 20 गेहूं की बोरियां लाओ, तो यहाँ पर गेहूं की 20 बोरियां लाओ तो होता तो हमारा शुद्ध हो सकता था। पर इनमें जो हमारा इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर D। अगर दोस्तों आपको लगता है कि वीडियो स्लो है तो आप यहाँ पर 3 डॉट दिए होंगे, आप वहाँ से स्पीड बढ़ा सकते हैं। आप 1.5 में देख सकते हैं या 2 में भी देखना चाहते हैं। तो सारे पेपर आप जल्दी जल्दी में, अगर आप नए हैं चैनल पर तो आप सारे पेपर 2 की स्पीड में बढ़ा के आप सारे पेपर देख के ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि जब भर्ती आएगी फिर आप देखने लगोगे पुराने पेपर पैटर्न समझोगे तो फिर थोड़ी देर हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रस है? रस दोस्तों जरूर आएंगे, रस अलंकार छंद, यहाँ से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में भी और SI के एग्ज़ाम में भी। तो ये तो आपने बचपन से स्कूल में, आप इसको बहुत गाते होंगे स्कूल में, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तो ये है, तो ये आपने दोस्तों इसमें कौन सा रस है ये आपको बताना है। तो सभी लोगों को ये आ गया होगा, अद्भुत वाली कोई बात नहीं है, रौद्र वाली भी कोई बात नहीं है, भयानक वाली भी कोई बात, तो वीर रस इसमें है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो इसको अगर आप लाइन को देखते आपको अपने स्कूल के दिन जरूर याद आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने आपके लिए, चपला किसका पर्यायवाची है? अब भी दोस्तों जैसा आपका, आप लोगों में से फर्स्ट गार्ड का बहुत लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, जिस तरह का उसका एग्ज़ाम हुआ था तो उसी पैटर्न का आप मान सकते हैं कि उत्तराखंड पुलिस का भी वैसा एग्ज़ाम रहेगा, और उसमें भी 50-60 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन करने भी लोगों के लिए बेहद मुश्किल हो जाएंगे। तो अब पेपर अच्छा आएगा तो आप लोग उसी हिसाब से, हालांकि उसमें हिंदी भी कुछ ही क्वेश्चन थे दोस्तों, बाकी आप उसमें भी 13-14 क्वेश्चन आराम से कर सकते थे, बाकी कुछ 4-5 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन बेहद अच्छे लेवल के, बाकी 3-4 क्वेश्चन थोड़े उससे अच्छे लेवल के थे, बाकी आप कर सकते थे।
तो ये है चपला। अब दोस्तों सीधे सीधे वो पर्यायवाची नहीं देगा, कोई जैसे बीच के जैसे कोई भी शब्द है, जैसे ये चपला ही है, इसके जैसे सात आठ आठ दस जितने भी पर्यायवाची होते हैं तो उनमें से कोई पर्यायवाची देगा आपको। तो वो पर्यायवाची जो सभी कॉमन नाम है जो सबको पता है वो सब थोड़ा अंदर का देगा आपको। चपला किसका पर्यायवाची है? तो चपला होता है दोस्तों बिजली का, बिजली का चपला, दामिनी, ये सब बिजली के पर्यायवाची होते, चंचला ये भी होता है। अगला मरकट किसका पर्यायवाची है? तो पहले तो मरकट किसका पर्यायवाची होता है? तो मरकट होता है बंदर का, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। गज हाथी का, शेर शेरी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अक्षी किस शब्द का पर्यायवाची है? तो अक्षी का तद्भव आप बताएंगे तो दोस्तों कमेंट में। तो अक्षी किस शब्द का पर्यायवाची है? कल्प वृक्ष, अक्षर, अधर, अंक या फिर आंख। तो अक्षी तो बेहद आसान है आपके लिए, तो अक्षी का हो जाएगा आंख। अगला क्वेश्चन है, कोउ नर्प होई हमें कहानी। कोउ नर्प होई हमें कहानी लोकोक्ति का अर्थ है, तो लोकोक्ति और मुहावरे भी आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। किसी से कोई मतलब नहीं रखना, किसी भी परिवर्तन के प्रति उदासीन, या फिर किसी भी परिवर्तन के प्रति सचेत रहना, या फिर प्रतिक्रियावादी होना। तो को नर्प होई हमें कहानी, तो इसका हो जाएगा दोस्तों किसी भी परिवर्तन के प्रति उदासीन, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, संकर निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? संकर किसका पर्यायवाची? दुष्ट, दैत्य, दोषी या फिर दोगला। तो संकर, संकर का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दोगला। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, ये जो है दोगला का पर्यायवाची है। और एक संकर शब्द भी होते हैं, संकर शब्द उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और ये संकर शब्द जो कि दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभियुक्त का विलोम शब्द है। अभियुक्त का विलोम निरपराध, योगी, भोगी या फिर अभियोगी। तो अभियुक्त का अभियोगी बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। अभियुक्त क्या होता है कि जो जिस पर या फिर केस चल रहा हो या जिस पर कह सकते हैं, तो वो होता है अभियुक्त, और इसका हो जाएगा निरपराध। निरपराध होता है दोस्तों, एक निरपराधी भी आता है तो वो नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्कृष्ट का विलोम है। तो उत्कृष्ट का अपकृष्ट बिल्कुल नहीं होगा, व्यर्थ भी नहीं होगा, विकराल भी नहीं होगा, इसका हो जाएगा निकृष्ट। निकृष्ट ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अंडे का सहजादा। अंडे का सहजादा आपको बताना है कि, तो अगला क्वेश्चन है आपका, अंडे का सहजादा का अर्थ है अनुभवी व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति, चालाक व्यक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो अंडे का सहजादा अनुभवी व्यक्ति तो नहीं होगा, तो वो होगा जैसे यहाँ पर आया अगला क्वेश्चन में, तो अंडे का सहजादा होगा दोस्तों अनुभवहीन व्यक्ति, यानी कि जिसमें कुछ अनुभवी नहीं है वो अंडे का सहजादा। अगला क्वेश्चन है, अंडे सेना का अर्थ है। अंडे सेना का अर्थ अकड़ दिखाना, परिश्रम करना, किसी को जन्म देना या फिर बेकार बैठे रहना। तो ये आप सही उत्तर पर पहुंच गए होंगे, ऑप्शन नंबर सी, अंडे सेना यानी कि बेकार बैठे रहना, तो इस तरह से हम कहते हैं कि। अगला क्वेश्चन है, घाट घाट का पानी पीने का अर्थ है। तो ये भी फेमस एक लोग कहते हैं डायलॉग कि घाट घाट का पानी पिया मैंने, तो इसका हो जाएगा अनाड़ी, मिलनसार, विद्वान या फिर संसार का अनुभव प्राप्त करना या फिर अनुभवी होना, तो ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, किंकर किसका पर्यायवाची है? तो ये आपको बताना है कि किंकर किसका पर्यायवाची है, दीपक का, दरबान का, दक्ष का या फिर दास। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किंकर होता है दास का, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम औषधि है। इस वाक्य में आपसे पूछा है विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण है, भाववाचक है या फिर सार्वनामिक है, फिर गुणवाचक है। दोस्तों परिमाण जैसे कि गाय, या इस तरह से होता है कि ऋषि की गाय 2-4 लीटर दूध देती है, इतना देती है, तो वहाँ पर हो जाता है परिमाणवाचक।
तो वहाँ पर सर्वोत्तम औषधि यानी कि जो उसकी विशेषता है वो कोई गुण बता रहे कि सर्वोत्तम औषधि है, तो ये गुणवाचक हो गया स्वास्थ्य के लिए, गाय का दूध ही हो गया गुणवाचक, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, जो शब्द किसी कार्य के करने अथवा क्रिया, अच्छा जो शब्द किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध कराते हैं वे कहलाते हैं, तो वो हो गया हमारा संज्ञा नहीं क्रिया, ऑप्शन नंबर सी। तो संज्ञा की विशेषता जो इनके बदले आते हैं सर्वनाम, जो संज्ञा सर्वनाम इनकी विशेषता बताते तो विशेषण, तो ये भी आसान था आपके लिए। इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा, अंग, अंकन, अंश या फिर अंक? तो अंक तो दोस्तों, अंक तो सबसे सब में है तो ये सभी में आएगा, तो सबसे पहले जो आता है वो आता है कौ ही आता, तो ऑप्शन सी हो गया हमारा, अंकन हो गया। फिर ये तो तीसरे नंबर पर, इसके बाद दूसरे नंबर पर ही आएगा, तीसरे नंबर पर आएगा, चौथे नंबर पर ही आएगा। अगला क्वेश्चन है, आदर से विशेषण बनेगा, तो ये भी आप जो लुसेंट की बुक है उसमें भली भांति आपने पढ़ लिया होगा, तो आदर से बनेगा आदरणीय। अगला क्वेश्चन है, मैं का बहुवचन है, मैं, मुझे, हमको, हमें या फिर हम, तो कितने लोगों ने मैं का बहुवचन हमें लगाया था, वो सभी गलत हैं, तो मैं का हो जाएगा दोस्तों हम, मैं का बहुवचन होगा हम, ना मुझे ना हमको। अगला क्वेश्चन है, सहानुभूति का विलोम शब्द है, सहानुभूति, प्रेम, तिरस्कार, घृणा या फिर लगाव? तो सहानुभूति का जो विलोम होगा, सहानुभूति देना और तिरस्कार करना, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सलाघा किसका पर्यायवाची, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखते हैं आप लोग कौन कौन सही कर पाता है। सलाघा किसका पर्यायवाची है, आलोचना का, प्रशंसा का, निंदा का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सलाघा ये पर्यायवाची है दोस्तों प्रशंसा का, तो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी प्रशंसा, तो इसको आप याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मुरली गांव से चला गया, तो इसमें आपको कारक बताने हैं कि मुरली गांव से चला गया कर्म कारक है, संबोधन कारक है, संबंध है या फिर अपादान है? तो कई लोग से देख के अपादान कर देंगे इसमें, तो गांव से चला गया, तो उन लोगों ने बिल्कुल सही किया है, मुरली गांव से चला गया, तो गांव से तो अलग हो गया वो, तो वहीं पर अपादान होगा। अगला क्वेश्चन है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वाक्य में कौन सा कारक है, अधिकरण है, कर्ता है, कर्म है या फिर संप्रदान है? दोस्तों अधिकरण में आता है मैं, पर, कर्ता ने कर्म को संपादान से, ये संपादान संप्रदान से यहाँ पर जो होता है अलगाव का भाव होता है, तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो अधिकरण हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ये तो बेहद आसान, अध्यापिका का पुल्लिंग शिक्षक, गुरु, प्रवक्ता या फिर अध्यापक? तो ये अध्यापक, अध्यापिका का अध्यापक, तो अध्यापिका का अगर आपको बहुवचन बनाना हो तो आप क्या बनाएंगे, अध्यापिका का बहुवचन? तो हो जाएगा अध्यापिकाएं, अध्यापिकाएं। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन, आपके कितने सही हुए कमेंट में बता सकते हैं, और बाकी आपने खुद का आकलन तो ज़रूर कर ही लिया होगा, बाकी आप लोग और अपनी तैयारी करते रहें बुक से, बुक भी मैंने बताई है, आप लिस्ट में देख सकते हैं कि आपको कौन कौन सी बुकें पढ़नी है जो आपके लिए मददगार होंगे उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम को निकालने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।